महिला ने मौत ने घाट उतारी लूट करनार ईसम ने वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच द्वारा गणतरीना कलाकों में पकड़ी पाड़वामां आव्यो हतो। तरसाली खाते सीनियर सिटीजन महिलाएं पहरेल सोनाना दागीना लूटी लेवाना इरादे मौत निपजावी सोनाना दागीना लूटी जनार पाड़ोशमां ज रहता ईसम ने मुद्दामाल साथे गणतरीना कलाकों में वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ी पाड़वामां आव्यो हतो। वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच द्वारा विशाल सरोज नामना 19 वर्षीय ईसम ने झड़पी पाड़ी 1,33,500 नो मुद्दामाल कब्जे करवामां आव्यो हतो। आज सुबह मकरपुरा पुलिस स्टेशन की हद में मर्डर विथ रॉबरी का ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जिसमें गुने जो क्राइम है उसका डिटेल्स देखा जाए तो सीनियर सिटीजन से जो हस्बैंड वाइफ है अकेले रहते हैं और सुबह जो वृद्धा है उनको जल्दी से उठ के गुरुद्वारा दर्शन जाने की आदत होती है, उस उनका जो ये रूटीन है उसका लाभ उठाते हुए कल्प्रिट ने उनका मर्डर करके उनके गले में से चेन और ये टॉप से वो लूट लिया था और वहाँ से भाग जाने में वो सफल हुए थे। पूरा सीन ऑफ क्राइम और वो देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स हमारे सीपी साहब की अध्यक्षता में अलग अलग टीम्स की रचना हुई, क्राइम की टीम एसओजी पीसीबी की टीम लोकल पुलिस स्टेशन की और एलसीबी की टीम अलग अलग टीम बना के अलग अलग जगह से सीसीटीवी जो है फुटेज वो रिकवर करने का काम शुरू हुआ। नॉन क्रिमिनल्स जो थे उनके अब उनकी भी मूवमेंट हमने चेक करने का प्रयास किया, साथ ही टोल नाका वगैरह है वहाँ पे भी दो टीम्स भेजी गई कि अगर कोई कल्प्रिट बाहर से आया हो तो, या कोई नॉन पास उनके पड़ोसी जो है वही उनका उनका बेटा है स्टेपसन वही उसमें से आरोपी के तौर पे बाहर आया है। जो पूरा हकीकत देखा जाए तो ये जो लड़का है विशाल 20 साल का लड़का है उसने ही मर्डर किया हुआ है और उससे ही पूरा मुद्दा माल जो है वो हमने रिकवर किया है। सुबह के टाइम पे ये लड़का वहाँ जाता है, घर की लाइट ऑफ करता है और उसकी वजह से लेडी बाहर आती है और उसी का फ़ायदा लेते हुए गले पे सर्जिकल नाइफ से गला पूरा काट के और उसके गले में से चेन और ईयर टॉप्स ले लेता है और वहाँ से भाग जाने में सफल होता है। बट सीसीटीवी फुटेज में उसकी जो सस्पिशियस मूवमेंट है वो कैच हो जाती है और उसके ऊपर से पूरा गुना का डिटेक्शन होता है। ये जो विशाल अक्यूज़ है वो जो मरण जनार है सुखजीत कौर उनके पड़ोसी जो है उनका ही स्टेपसन है, मतलब उनके पड़ोसी के वाइफ जो है उनके पहले हस्बैंड का लड़का है और ये लड़का डोमेस्टिक हेल्प में इन सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करता रहता है, मतलब उनका नोन है और वो लड़का यहीं पे पास में ही रहता है। बट वो 14 तारीख से गुम था, ऐसी एक मिसिंग कंप्लेन मकरपुरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाई जाती है उसके फादर स्टेप फादर द्वारा, जिसमें लिखा जाता है कि बैंक के एटीएम कार्ड वगैरह और पर्सनल डिटेल्स उनकी लेके ये लड़का निकल गया है, तो उसका रजिस्टर हुआ है मकरपुरा पुलिस स्टेशन में और उसके बाद इसने इस ऑफेंस को अंजाम दिया है। इसके जो फादर है इसके जो स्टेप फादर है उनके ऊपर 16 जितने चोरी और अलग अलग ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं और एक मर्डर का भी टोटल 17 ऑफेंस उसके ऊपर रजिस्टर हुए हैं।